मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर सीएम मोहन यादव से एक और सौगात मिलने जा रही है। लाडली बहना योजना के साथ साथ और राशि जो है वो मोहन यादव सरकार लाडली बहनों के खाते में डालेगी। पूरा मामला क्या है, क्या है ये पूरा जो एक ऐलान किया गया है लाडली बहनों के लिए, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को हर महीने लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1250 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाती है और अब मोहन यादव सरकार रक्षाबंधन के मौके पर इन महिलाओं को एक और तोहफा देने वाली है। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में 1 तारीख को लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए अतिरिक्त डाले जाएंगे। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। रक्षाबंधन से पहले बहनों को मुख्यमंत्री ने यह सौगात दी है। सावन महीने में प्रत्येक लाडली बहना के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अतिरिक्त किए जाएंगे। ये राशि प्रतिमा जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी, यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1250 रुपए अलग मिलेंगे और 250 रुपए अलग से मोहन यादव सरकार डालेगी। यानी कुल मिला के अगस्त के महीने में लाडली बहनों के खाते में कुल 1500 रुपए डाले जाएंगे। वही आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के मौके पर सावन महीने में अपने अपने क्षेत्रों की बहनों से राखी बंधवाने का भी आह्वान किया है। दर्शकों को यहां पर बता दें कि ये फैसला डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में लिया है। यानी कुल मिला के रक्षाबंधन के मौके पर कुल 1500 रुपए की राशि लाडली बहना योजना की जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको मिलने वाली है। मोहन यादव के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।